दोस्तों इन दिनों बाजार की रौनक कुछ बढ़ सी गई है, औरतों की खरीदारी भी जोरों शोरों पर चल रही है और वजह है करवा चौथ का व्रत। तो हमने भी इस बार सोचा क्यों ना इस करवा चौथ को हम कुछ मजेदार क्वेश्चंस तैयार करते हैं जो कि हम पूछेंगे उन महिलाओं से और कुछ लड़कियों से और उसके मजेदार आंसर्स आपको सुनाएंगे। तो देखिए ये वीडियो। फिल्मों का करवा चौथ पे कुछ नहीं बल्कि 101% इम्पैक्ट पड़ा है। वो चलनी से चांद देखना और फिर वो गाने और वो सारी चीजें, हालांकि ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बट इन चीजों ने है ना जो रिचुअल्स है ना उनको बिल्कुल चेंज कर दिया। वो फीलिंग्स के साथ जो किए जाने वाला उपवास होता था वो अब इमोशन से नहीं जुड़कर बहुत ज्यादा फैशन से जुड़ता जा रहा है। ऑब्वियसली इफ यू सी ऑल दिस सीरियल्स तो इसमें तो ये एक एपिसोड ही बना देते हैं जिसमें यही चलता रहता है एंड इट्स वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ थिंग एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड फील होता है। बिल्कुल 100% बहुत पड़ रहा है। आप है देखो ये तो त्योहारों का तो है जो है बच्चों पे पड़ रहा है। त्योहारों में तो ये कि हर आदमी सोचता है कि मैं ऐसी चुन्नी पहनूं, ऐसे साड़ी पहनूं, ये स्टाइल मेरा हो, इन त्योहारों में ऐसे करूं, पूरा ही पड़ रहा है। जैसे कि वो मूवीज में पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, पहले ये इतना नहीं था पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब जैसे वो देखते कि इतना सजते हैं संवरते हैं अपना प्रॉपर श्रृंगार, पहले मेहंदी लगाते हैं एक दिन और पूरा अपना सज संवर के अच्छे से पूरा दिन रहते हैं, सुबह ही तैयार हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए कह सकते हैं कि हम देखते हैं एक हफ्ते पहले से ही ये सीरियल्स में दिखाना शुरू कर देते हैं या जो इस टाइम जो मूवीज रिलीज होती है उसमें करवा चौथ स्पेशली फोकस रहता है। एक कुछ बॉलीवुड से ऐसे भी पढ़ा है, नई साल होती है तो गिफ्ट चाहिए, बर्थडे होता है तो गिफ्ट चाहिए, त्योहार करवा चौथ होती है तो गिफ्ट चाहिए, अगर शादी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो गिफ्ट चाहिए, वो पहले नहीं होता। सारा इनका इफेक्ट ही इन त्योहारों का है क्योंकि हर टीवी सीरियल की हर बहू पहले इतने शुरुआत से ही वो इतने दिन पहले से ही वो एक माहौल सा बना देती है कि हाँ करवा चौथ आ रहा है, हमें ये शॉपिंग करनी है, हमें वो चाहिए, तो इसका बहुत ज्यादा असर है। फिल्मों में जिस तरह से करते हैं सर हीरो हीरोइंस, वैसे ही आजकल न्यू जनरेशन की जो शादी हो रही है तो सब वैसे ही करते हैं सर मॉडर्न ही। शाहरुख खान, आई थिंक रणवीर सिंह, अजय, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आई थिंक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। आई थिंक गौरी खान, दीपिका पादुकोण, ऑफ कोर्स काजोल, परफेक्ट वाइफ जया, परफेक्ट वाइफ ऐश्वर्या, वाइफ ऐश्वर्या राय, जया बच्चन। रील और रियल लाइफ में बिल्कुल फर्क होता है, उसको रियली रहने दीजिए ना, रियल लाइफ को क्यों उसमें ला रहे हैं। अच्छा वो ऐसे करते हैं, अच्छा वो फलाने सीरियल में उसने ऐसे किया था और फिर वो, क्योंकि वो सारी चीजें तो केवल पर्दे पे दिखाई जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा लोगों को खींचे रहे, वो रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। अरे बहुत सिंपल सोबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना एग्जैजरेशन, गाना बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इतना कलरफुल कुछ नहीं होता है। ऐसी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली जो होता है ना, इतना तामझाम नहीं होता है उसमें, उसमें क्या सासू ससुर भी होते हैं तो इतना कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक ओनली ठीक है मून देख लिया, एक दूसरे को खिला दिया, इट्स वेरी सिंपल। हम जो आम मतलब लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वो जस्ट जो उनकी फैमिलीज के रिवाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब हम सीरियल्स में कई कई नए नए रिचुअल्स देखते हैं जो कि हम मतलब सिंपल नहीं होते हैं, जो करवा चौथ का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ सीरियल्स का करवा चौथ कुछ अलग होता है और जो रियल लाइफ में करवा चौथ होता है वो काफी अलग होता है, तो डिफरेंस है। हर तरफ हम ये नहीं देखते, मतलब जैसे कि हमारे भारतीय समाज में मध्यम वर्ग के लोग हैं और मतलब तो वहां पर ऐसा कुछ मुझे नहीं देखने को मिलता। समटाइम्स अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं तो वहाँ पर है उनकी जो एक क्या कह सकते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसको देख देख के। फिल्मों में फिल्मों का ही होता है रियल में। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, तेरे बिना बेसुआदी रहती है। मेबी बेबी सॉन्ग, मैं बेबी सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी, Maybe that I really love you kind of song. Ghost. जन्म 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 का साथ हो तुम्हारा हमारा, मैं भी यही गाने वाले गाती हूँ मैं।
एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना